नमस्कार, मैं नवरात्रि ऐश्वर्या ग्रैंड एसी न्यूज के उत्साहपूर्ण एवं खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। राशिफल एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सभी हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। जी हां, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। अतः आप अपना राशिफल जानने के लिए, उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। दर्शकों ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 17 जुलाई से 23 जुलाई तक के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, इस सप्ताह की शुरुआत में आपको दोस्तों का साथ बना रहेगा। मौज मस्ती करने का अवसर आपको मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे, पुरानी यादें ताजा होंगी और मन खुश हो जाएगा। विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन में समस्याओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में रोमांस के साथ ही तकरार भी बनी रहेगी। थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी स्थिति का निर्माण होगा। नौकरी में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन किसी से झगड़ा करने से बचे। किसी महिला के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करे, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी, आपके प्रयास फलीभूत होंगे और आपको कुछ नया फायदा होगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते का उपाय है कि आप इस हफ्ते के शुभ मनाने के लिए इस हफ्ते की शुरुआत आप अपने घर के पास या छत में पक्षियों को दाना डालकर करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस हफ्ता आर्थिक मामले में शुभ है। इस वक्त आपकी दूरदर्शिता का असर आपके कामकाज पर हो रहा है। आजीविका के क्षेत्र में आपके अनुभव आपके काम आएंगे, आपको लाभ होगा। हो सकता है किसी नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ जाए। आज के लिए धन समृद्धि के मामले में आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा और घर परिवार में खुशी आएगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग काला। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस हफ्ते का उपाय है कि उपाय के तौर पर आप इस सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके लिए लोगों के साथ अपने विचारों को बांटने का है। छोटी यात्रा, दोस्तों या रिश्तेदार के पास जाना, फोन ईमेल आदि आपको व्यस्त रखेंगे। लोगों से मिलकर उनसे बात करने से आपकी जिज्ञासा कम होगी और कई कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा होंगे। आप अपने प्रियजनों के साथ मशगूल रहेंगे। शब्दों का सही प्रयोग करने की क्षमता से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। अपने आत्मविश्वास और अच्छे व्यवहार के कारण अपने रवैये को सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे आपको तारीफ मिलेगी। आप क्या जानते हैं इसकी तुलना में आप किसे जानते हैं इस बात का फर्क पड़ता है। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। इस हफ्ते के लिए आपके लिए उपाय है कि सप्ताह की शुरुआत आप भक्ति भजन सुनकर करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक, ये हफ्ता और समय वित्तीय समझौते और कानूनी कार्यों के लिए अच्छा है। फाइनेंस के प्रति आपका दृष्टिकोण आपको आय व खर्च के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। इसके साथ ही आप अतिरिक्त कमाई के बारे में भी विचार करेंगे। लोगों से बातचीत करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन संबंधित प्रक्रियाएं चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। लोगों से उम्मीद लगाना निराशा का कारण बन सकता है। इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अतिरिक्त देखभाल और शांति के साथ साथ तर्कसंगत सोच का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपको भविष्य में अच्छी पोजीशन के साथ धन लाभ भी होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। इस हफ्ते के लिए आपके लिए उपाय है कि इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत सूर्य नमस्कार करके करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। ये जातक, दुनिया का परिचय अपने शानदार गुणों से कराने के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे, समझदार और आज्ञाकारी महसूस करेंगे। अब आप उन मामलों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में अभी तक केवल सोच ही रहे थे। दोस्तों, परिवार, भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे। अपने कार्यों को आप नए उत्साह से शुरू करना चाहते हैं, जिससे आपके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अधिक लोगों से संपर्क बनाए रखें और अपने विचारों को स्वयं तक ही सीमित ना रखें। सारे लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपको स्वयं पर गर्व महसूस होगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग जामुनी। सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है कि सप्ताह को शुभ बनाने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें। कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वालों का यह सप्ताह शुभ साबित होगा। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। निजी मामलों में
प्रेम और विश्वास बना रहेगा। इस दौरान विवाहित लोगों का संतान सुख से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है। आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह उनके लिए भी गुड लक लेकर आया है जो विदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फिर जिनका वहाँ पर करियर या कारोबार को लेकर कोई ख्वाब है तो वह पूरा होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा। आपके लिए सप्ताह का उपाय है कि इस सप्ताह की शुरुआत आप गरीबों को कुछ दान करके करें, सप्ताह शुभ जाए। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातक, आपके लिए सप्ताह बड़ा ही आर्थिक लाभ देने वाला सिद्ध होगा। हाल फिलहाल में हुई लोगों से मुलाकात का आप पूरा फायदा उठाएंगे। प्रभावी लोगों की मदद से आप कोई बड़ा कार्य पूरा करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह करियर कारोबार में मिलने वाली सफलता से आपकी साख में वृद्धि होगी। आपका कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। इस सप्ताह किसी प्रियजन व्यक्ति के घर में आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। उपाय के तौर पर इस सप्ताह की शुरुआत आप भक्ति भजन सुनकर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए यह सप्ताह किसी सामाजिक विवाद में उलझ सकने का है। किसी दूसरे के किए हुए कार्य का दोष आपके ऊपर लग सकता है। विरोधी वर्ग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिवार में कुछ लोगों के प्रयास से आपसी मतभेद कराने में विरोधी वर्ग सफल होंगे। आपके लिए अच्छा होगा अपने परिवार के महत्व को समझें। सबसे संबंध मधुर बनाकर रखें और वाणी पर संयम रखें व समय को पहचान कर कार्य करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। इस सप्ताह के शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत माता पिता अथवा किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर करें। धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत में अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने पर ध्यान देंगे। लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रहेगी। गृहस्थ जीवन में भी तनाव कम होगा और जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ससुराल वालों से कहा सुनी हो सकती है। जीवन साथी भी उनके दबाव में रहकर बातचीत करेंगे जिससे माहौल बिगड़ सकता है। सप्ताह के बीच में सेहत में गिरावट आने के योग बनेंगे। किसी से झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, अतः आप सावधान रहे। सप्ताह के अंतिम दिनों में अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे और साहस बढ़ेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। अब बात करते हैं आपके लिए सप्ताह के उपाय की। तो इस सप्ताह की शुरुआत आप किसी बच्चे को कॉपी पुस्तक गिफ्ट करके करें। अब बारी आती है मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों, आपके लिए यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में आपको लाभ महसूस होगा। मन अध्यात्म की ओर झुके रहेगा। वाणी से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा व कोई धार्मिक आयोजन परिवार में हो सकता है। पत्नी से मनमुटाव दूर होगा। न्यायालय पक्ष में आपको विजय प्राप्त होगी। बहुत पुराना चल रहा विवाद खत्म होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग कत्थई। इस सप्ताह के लिए आपको उपाय है कि इस सप्ताह को आप शानदार बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातक, इस सप्ताह में अटल संपत्ति में अनाधिकार तथा अतिक्रमण को लेकर आपको और सतर्क होने की जरूरत रहेगी, अतः प्रयासों को जारी रखने में कोताही ना करें तो अच्छा रहेगा। यद्यपि आजीविका से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए आपको दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा तथा प्रवास में जाना पड़ेगा, अतः प्रयासों को जारी रखने में आलस्य ना करें तो अच्छा रहेगा। यद्यपि इस सप्ताह अचानक धन लाभ होने के आसार रहेंगे, सेहत में कुछ कमजोरी के चलते परेशानी रहेगी। हालांकि आजीविका से जुड़े पहलुओं को साधने में सफल रहेंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। उपाय, इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातक की। मीन राशि, इस सप्ताह में गृहस्थ जीवन को सुखद व शानदार बनाने की कवायद पूरी होने के संकेत देने वाली रहेगी। यदि आप शादी के योग्य हैं तो सितारों की चाल अनुकूल जीवन साथी से मिलने के संकेत को देने वाली रहेगी, लिहाजा प्रयासों को जारी रखने में आलस्य ना करें तो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह धन कमाने व जुटाने की प्रक्रिया सफल होने के संकेत देने वाली रहेगी। यदि आप किसी राजनीतिक व सामाजिक कामों को पूरा करने में लगे हैं तो यह समय शुभ है। इस सप्ताह के अंत तक किसी वाहन को क्रय करने की मंशा के पूरे होने के आसार रहेंगे, अतः प्रयासों को जारी रखने में आलस्य न करें तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। उपाय, सप्ताह की शुरुआत आप योग और ध्यान करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज पर इसी तरह हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।